लगातार बारिश के चलते नगर निगम बिल्डिंग के ज्यादातर कमरों में छत से पानी टपकने लगा है, जिसके कारण वहां पर रखी अधिकतर फाइलें पानी में गीली हो चुकी है। कर्मचारियों से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि फाइलों को कहां रखें, सभी कमरों में पानी टपक रहा है। निगम बिल्डिंग की फॉल सीलिंग छत से टपकते पानी के कारण गिर चुकी है। इस बारे में जब कोटा उत्तर व दक्षिण महापौर से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि अधिकारियों को बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में अवगत करा दिया गया है। नगर निगम कोटा उत्तर के AEN मोतीलाल ने बताया है कि 2 महीने पहले ही बिल्डिंग हैंड ओवर हुई है। छत की वाटर प्रूफिंग को चेक किया जा रहा है। नगर निगम में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के रूम में छत से पानी टपक रहा है, लेकिन मेंटेनेंस करने वाले जिम्मेदार अधिकारी कोटा उत्तर व दक्षिण क्षेत्र के एरिया में उलझ कर रह गए हैं। कोटा दक्षिण के XEAQ कुरेशी का कहना है कि निगम बिल्डिंग के दक्षिण क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं टपक रहा है। दूसरी ओर कोटा उत्तर निगम के AEN मोतीलाल का कहना है कि कोटा उत्तर क्षेत्र की बिल्डिंग का एरिया 2 महीने पहले ही हैंडओवर हुआ है। अब इसमें देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी जो कि शहर में सफाई व मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं, अपनी बिल्डिंग का मेंटेनेंस कब करवाते हैं।